फ्रेंड आज का मॉक टेस्ट मोस्ट एंड मोस्ट आप बोल सकते हैं वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों हो सकता है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जब आप एग्जाम हॉल पे जाओगी एग्जाम देने के लिए रियल वाला, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों इस मॉक टेस्ट का आपके लिए कितना वैल्यू था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4। मॉक टेस्ट नंबर 1 का 4 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप पढ़िए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ दोस्तों 4 सेकेंड, आप आंसर गेस करिए। चलिए सर इसका आंसर होने वाला है ट्रू। देखिए चलिए फ्रेंड मॉक टेस्ट नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए। तो फ्रेंड आप गेस करिए, चलिए फ्रेंड आंसर मैं आपको देता हूं, हैव कॉम्पेटिवली हायर प्रीमियम। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप एक बार गेस करिए। चलिए फिर इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 अब एक बार पढ़िए। इसका आंसर आप गेस करिए दोस्तों, आंसर आप गेस करिए, इसका दोस्तों आंसर होगा ट्रू। यस ट्रू, इसका आंसर क्यू ट्रू हुआ दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सबका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिलेगा, आप पढ़ लीजिए। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार पढ़ के गेस करिए। दोस्तों आंसर कौन सा राइट होगा बोलिए, आंसर होगा दोस्तों नो, आंसर नंबर 4 यह राइट आंसर। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, आप एक बार इसको पढ़िए। उसके बाद इन चारों के अंदर कौन सा आंसर राइट होगा आप एक बार गेस करिए पहले। फ्रेंड इसका आंसर होगा बाय इंडेक्स फ्यूचर एंड सेल्स स्पेसिफिक कंपनी शेयर, मतलब आंसर नंबर 2 देखिए करेक्ट। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप एक बार पढ़िए। अभी आप गेस करिए चारों के अंदर कौन सा आंसर होगा। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा पोजीशन लिमिट, आप एक बार पढ़िए एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अभी आप चारों के अंदर एक गेस करिए कौन सा आंसर हो सकता है। फ्रेंड आंसर होगा एक्सक्यूटिंग परचेस ऑफ द सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दोस्तों यहाँ पे सेम ही होगा, यहाँ पे सेल किया था यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा सेम, इसलिए इसका आंसर होगा 3। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार पढ़िए, इसके अंदर ट्रू फॉल्स ट्रू होगा या फॉल्स होगा आपको आइडिया हो जाएगा एक बार गेस करिए पढ़ने के बाद। अब गेस क्या है, आंसर होगा ट्रू। फ्रेंड
क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, व्हाट डज हेजिंग डू, आंसर कौन सा होगा, हेजिंग क्या काम करता है, अब इसको पढ़िए चारों के अंदर कौन सा आंसर होगा, अभी पहले पढ़ के गेस करिए। दोस्तों हेजिंग इसलिए किया जाता है इट्स प्रोडक्ट्स और ये मोर क्लियरिंग आउटकम, तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला आंसर राइट होगा। तो फ्रेंड अभी आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11, आप पढ़िए उसके बाद आप दोनों के अंदर गेस करिए कौन सा आंसर हो सकता है, आप एक बार पढ़ लीजिए। ए ट्रेडर सेल ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइस रेस, अगर आपने किसी को सेल किया स्टॉक ऊपर चला गया दोस्तों, तो सेल करना मतलब स्टॉक कंपनी नीचे आना पड़ेगा तब कम पैसे में आपको बाय होगा ना, अगर ऊपर चला जाएगा तो आपको लॉस होगा, तो डेफिनेटली बहुत ईजी है, इसका आंसर होगा मेक ए लॉस। दोस्तों ए वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप बोल सकते वी वी आई लिख के रखिए, आप एग्जाम हॉल पे जाने के बाद आपको पता चल जाएगा इसका कितना वैल्यू है। व्हाट डस ए बीटा ऑफ मोर देन वन मीन्स, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके बाद चारों आंसर को एक बार पढ़िए, आंसर को पढ़िए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। दोस्तों चारों के अंदर इसका आंसर जो राइट होगा वो है दोस्तों इट्स मीन दैट द एक्सपेक्टेड परसेंटेज चेंज इन स्टॉक प्राइस विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स, मतलब थर्ड नंबर जो आंसर है यह है राइट। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, एक बार पढ़िए उसके बाद आप दोनों के अंदर कौन सा आंसर राइट होगा, आप एक बार गेस करिए। से फॉल्स होगा, क्यों फॉल्स होगा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बोला, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसके अंदर चारों स्टेटमेंट के अंदर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तीनों फॉल्स होगा एक ही ट्रू होगा, तो आप एक बार पढ़िए, आंसर थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको मैं, आप पढ़िए। सो फिर आप गिफ्ट कर लिया है ना, अभी मैं कोई आंसर मैं ट्रिक करके देखता हूँ क्या होता है, मेरे ख्याल से आंसर नंबर होगा सेकेंड, मनी एंड सिक्योरिटी डिपोजिटेड बाई क्लाइंट कैन नॉट बी अटैच फॉर मीटिंग इन द ब्रोकर ऑब्लिगेशन ऑन हिज प्रॉपर्टी अकाउंट, मेरे ख्याल से थर्ड वाला होगा राइट। देखिए सो यस इट्स राइट, आप एक बार पढ़ लीजिए। दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, उसका आंसर ट्रू या फॉल्स होगा। दोस्तों से वैल्यू जीरो, आउट ऑफ द मनी इंसेंटिव वैल्यू क्या जीरो होता है आउट ऑफ द मनी, देखिए बट ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ इन द मनी। दोस्तों ये तो मेरे ख्याल से रियस राइट है दोस्तों, आउट ऑफ द मनी इंसेंटिव वैल्यू जीरो होता है दोस्तों और पॉजिटिव होता है इन द मनी, तो इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 को आगे पढ़िए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से दोस्तों, अब एक बार गेस करिए। दोस्तों ऑफ कोर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज्यादा दोनों के अंदर काम होता है ना, तो एक इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के अंदर काम होता है तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू, उससे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पेकुलेटर एक्सेप्ट द रिस्क इन सर्च ऑफ प्रॉफिट, दोस्तों ऑफ कोर्स स्पेकुलेटर ऑल टाइम रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं और हैजर्स रिस्क को रिड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होगा राइट, यस ट्रू। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 18 वाला जो है दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए।
एक क्लियरिंग मेंबर हैज टू डिपॉजिट, क्लियरिंग मेंबर को कितना डिपॉजिट करना पड़ता है टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट, कितना करना पड़ता है दोस्तों? अगर आप पढ़ा है दोस्तों तो आप गेस करिए, इसके अंदर ही आंसर होगा। आपने गेस कर लिया है दोस्तों, आंसर होगा 50 लाख। आपके पास देख लीजिए, नेटवर्थ चाहिए 3 करोड़ का, 300 लाख का चाहिए, लेकिन उसका डिपॉजिट करना पड़ेगा 50 लाख का, डिपॉजिटेड 50 लाख। एडिशनल अगर आपको बोलेगा तो यहाँ पे 10 लाख आप देख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला एक बार तीनों को पढ़ लीजिए। नेटवर्थ करते कितना लाख तो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद एक्सेस्ट हिम एतो लाख, और डिपॉजिट इतना है, एडिशनल कितना लाख था ये देख लीजिए। एडिशनल पूछ सकता है आपके पास, डिपॉजिट पूछ सकता है और नेटवर्थ पूछ सकता है। तीनों के अंदर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, एक तो आ भी सकता है दोस्तों अगर आप उसी में रहे। इसलिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 18 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से रखिए, अच्छा से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका लाइफ के लिए। चलिए इस तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, चारों के अंदर कौन सा होगा इस ब्लैंक के अंदर जा सकता है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। क्लियरिंग मेंबर आर पॉजिटिवली दोस्तों, इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, पॉजिटिवली। देखिए एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 20 का, फ्रेंड व्हेन ऑर्डिनरी कैश डिविडेंड आर डिक्लेयर, कॉल ऑप्शन वैल्यू विल बी डिक्रीज। ऑफकोर्स दोस्तों इसका आंसर मेरे ख्याल से होगा, होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए मेरे ख्याल से, सॉरी ट्रू क्यों होगा, ऑर्डिनरी कैश डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो कॉल ऑप्शन विल बी डिक्रीज, यस ट्रू होगा, यस करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को गेस करिए। आपके लिए मैं दे रहा हूँ 5 सेकेंड। फ्रेंड इसका आंसर होगा, आपने गेस कर लिया, इसका आंसर होगा सेकेंड, कैश सेटलमेंट और मैच्योरिटी। देखिए करेक्ट आंसर इज कैश सेटलमेंट एंड मैच्योरिटी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए एक बार। उसके बाद आंसर को गेस करिए दोस्तों, तो दोनों के अंदर होगा इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पे लॉन्ग पॉजिटिव पोजीशन मतलब यहाँ पे ऑप्शन विल बी गेन, प्राइस विल बी क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन बायर के लिए अगर गेन हो जाता तो क्या होता है, अभी और गेस करिए दोस्तों। कॉल बायर के लिए गेन मतलब इंक्रीज, ऑप्शन बायर के लिए गेन मतलब दोस्तों डिक्रीज, देख लीजिए दोस्तों आंसर होगा डिक्रीज। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 का देख लीजिए, व्हेन द प्राइस ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज द मार्जिन अकाउंट क्या होगा दोस्तों? पहले वाला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, सेकंड वाला आंसर को देख लीजिए, कौन सा हो सकता है? आपको मैं 5 सेकंड टाइम दे रहा हूँ दोस्तों, आप टाइम लिख के देखिए दोस्तों। इसका आंसर होगा बोध, दोनों ही होगा दोस्तों, दोनों टाइम पे ही होगा। फ्यूचर में दोस्तों बायर को भी देना पड़ता है, सेलर को भी देना पड़ता है दोस्तों, आपको मालूम होगा मार्जिन में, तो डेफिनेटली ब्रोथ होगा, ब्रोथ 1 एंड 2। देखिए यस करेक्ट आंसर दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक बार देखिए चारों क्वेश्चन आंसर को एक बार पढ़िए। आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं दोस्तों, आप एक बार पढ़ के आंसर गेस करिए।
दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के अंदर होता है, अगर कैंसिल होगा दोनों पार्टी अगर एग्री होगा तब ना कैंसिल होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सेकेंड वाला होगा राइट, कैन बी कैंसिल इफ द काउंटर पार्टी ऑल्सो एग्री टू इट, दोनों अगर बोलेगा तो दोनों मिल के अगर, क्योंकि दोस्तों ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोनों पार्टी के बीच होता है ना, अगर ये दोनों चाहे तो कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आंसर नंबर सेकेंड होगा राइट। फ्रेंड आज इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको माइंड में रखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास सामने आ भी सकता है दोस्तों, इसलिए इस आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे ख्याल से, क्योंकि दोस्तों मैं तो एग्जाम देने के लिए गया था, मेरे को आइडिया है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए इसको पढ़िए अच्छा से। मैं आपको 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, आप आंसर को गेस करिए। देखिए मैंने सेम मेंबर अगर बाय एंड सेल करेगा तो निश्चित यहाँ पे तो माइनस ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा सेकेंड वाला, इट्स विल बी नेटेड ऑफ 7 कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट का 25 क्वेश्चन। फ्रेंड अगर आप ऐसे ही हर मॉक टेस्ट कंप्लीट करके जाओगी, मैं आपको बोल सकता हूँ दोस्तों एग्जाम हॉल पे जाके आपको पता चल जाएगा आपके लिए ये सब मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट था। और एक बात है दोस्तों, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना है किसी आपके लिए या आपका दोस्त के लिए, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं जीरोधा के अंदर। अगर आपका फ्रेंड को भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना है तो इस लिंक को उसको शेयर कर सकते हो दोस्तों। और एक बात दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग का टाइम पे अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आप जीरोधा का कस्टमर सर्विस से कॉल कर सकते हैं और मेरे से भी दोस्तों गाइड ले सकते हैं, मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।